चलिए एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूं अपने शो को लेकर। इस शो में आप देख रहे हैं कि मैं धीरे धीरे इस शो के आयाम को बढ़ाना चाहता हूं। मैं इसके आयाम को यहां तक बढ़ाना चाहता हूं कि हम किसी भी फील्ड से किसी भी कर्णधार को, किसी भी जो उसको रिप्रेजेंट करता है और जिसने वो ज़िंदगी जी है, मैं लाना चाहता हूं आपके सामने। और आपको भी और मुझे भी वो ज्ञान चाहिए कि ये लोग ने कैसे कहां से कहां गए। मैंने डायरेक्शन के डिपार्टमेंट से डायरेक्टरों को बुलाया, एक्टरों के डिपार्टमेंट से एक्टरों को बुलाया, मैंने कहानी के डिपार्टमेंट से एक राइटर को मैं आपसे बुला चुका हूँ, मैंने संगीत के फील्ड में भी मैंने सिंगरों को आपसे मिलाया। मैंने अभी जो नया एक आयाम खोला है जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं फाइट मास्टर्स, या कहते हैं जिसमें हम कहते हैं फाइट्स किसकी। और फाइट हमारे, आप जानते हैं, फिल्मों की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है जिसमें लोग इन्जॉय करते हैं। तो आज भी वैसे ही मैं एक और फाइट मास्टर को आपके सामने लाना चाहता हूँ। इनका कद, काठी, सोच, समझ, ट्रीटमेंट, डायरेक्ट करने का तरीका, इंडस्ट्री के बीच में अपनी पहचान बनाई है, इवन फाइट मास्टर से डायरेक्टर भी बने हैं, इवन विलन भी बने हैं। और इन्होंने ऐसे ऐसे फाइट्स बड़े बड़े फिल्मों के कंपोज किए हैं जो आप देखेंगे, नाम सुनेंगे तो खुद पहचान जाएंगे कि इतनी अच्छी अच्छी फाइट्स की है। जी हाँ, मैं बात, और इससे बड़ा इनका आयाम जो है कि ये जिस घराने से हैं वो घराना भी इंडस्ट्री में मशहूर घराना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्मा फैमिली से, जिनके घोड़ों पर आज तक हम लोग हर पिक्चर में जो घोड़े आते हैं वो वर्मा के घोड़े होते हैं, वहाँ से आते हैं। और जिसमें 5-7 भाई हैं, उनमें से एक भाई को मैं बुला रहा हूँ जिनका नाम है, आपने पढ़ भी लिया है, टीनू वर्मा जी। गजब की शख्सियत है, गजब का आत्मविश्वास है, गजब की बातें हैं उनकी। मेरे साथ बहुत काम कर चुके हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे टकराया हूँ, चाहे वो बरसात फिल्म हो, चाहे वो और भी मेरी ज़िंदगी के जितने भी मैंने बड़े बड़े फिल्में की हैं, कहीं ना कहीं वो नज़र आए मेरे को। और काम करते हुए उनका तरीका अलग है। तो चलिए, मैं जानते हैं उस वाइब्रेंट, मैं इसको फिल्म फाइट मास्टर कहूँगा, उनसे भी मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ। लेट अस सी फाइट कंपोजिशन क्या होती है, फाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, और फाइट मास्टर को क्या करना चाहिए, कैसे एक्टरों को तैयार करते हैं, जानते हैं। तो चलिए आपको, तो मैं अभी आपको टीनू वर्मा जी से मिला देता हूं। चलिए मिलते हैं टीनू वर्मा जी से। क्या बात है शक्तिमा जी, वाह, क्या बात है, वही करो जो सही है, सब सही होगा। अब श्री माँ भारत विष्णु पितामा की जय हो। सौभाग्य हमारा आज हम आपके ऑफिस में आपके साथ कुछ गुप्तगू कर रहे हैं। जय हो विष्णु पिताजी की जय हो। सचिव मुकेश जी, ये नहीं, करेक्ट। और मुझे यही आशा थी कि टीनू वर्मा शेकन नहीं बोलेगा, वो यही करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पूजा करने के तरीके और आपकी एक्सरसाइज करने के तरीके। आपका बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पर आना। ये मेरा जो पूरा ऑफिस है वो एक्शनमय हो गया है, तो मैंने बहुत सी बातें करनी है टीनू जी। अच्छा, राइट, ओके, प्लीज। सो जिनू जी, टीनू वर्मा जिसके नाम आते ही सबको दिमाग में आता है कि इनका नाम आया मतलब दुशुम तो बहुत होने वाली है, उठा पटक बहुत होने वाली है, मारपट बहुत होने वाली, जंप बहुत होने वाले, घोड़े बहुत होने वाले। इज नोन फॉर एवरीथिंग विच इज हैपन इन बॉलीवुड, एंड समहाउ मैंने इनके साथ इतना काम किया है। और इनके एक सबसे बड़ी एक
एक क्रिटिक में स्टार्ट में बोल लूं कि ये मेरे को जब भी मिलते थे ना तो और कोई फाइट मास्टर नहीं बोलता, ये मेरे बोलते थे क्या है ये, क्या है ये, फिट मतलब एक्सरसाइज आज भी कर, आज भी सुना बबीर जी जिस इंसान को अपने आप से प्यार होगा ना वही दुनिया से प्यार कर सकते आदमी का सनराइज अच्छा होना बड़ी बात नहीं, आदमी का सनसेट अच्छा होना चाहिए, सनराइज अच्छा होना ना हो सनसेट अच्छा होना चाहिए। व्हाट अ फिलॉसफी, हम चढ़ते सूरज को नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज की तरफ कोई नहीं देखता, ये कहते हैं कि उसको इतना अच्छा बनाओ, उसकी इतनी फिक्र करो कि लोग आपको सनराइज की तरह देखे, यार अभी तक ये आदमी चल रहा है, अभी तक आदमी ये, दिस इज व्हाट यू, दैट्स तो आप अभी भी जिम वगैरह? हाँ वो के जिम में सुबह बहुत जल्दी है, मैं वेरी अर्ली राइजर, जल्दी उठता हूँ, सोते हो 10:30-11 बजे गुड नाइट, मैं नाइट बर्ड नहीं हूँ, मैं तो मेरा सुबह 6 बजे 6:30 बजे लेट से लेट 6:30 बजे उठ जाता हूँ, देन आई हैड माय हॉर्सेस, मैं मेरी मॉर्निंग हॉर्स राइडिंग मेरा खुद का एक क्लब है उसमें हाँ मेरा पूरा वर्कआउट चलता है और 9:30-9 बजे फ्री। तो आपने वो मतलब इंश्योर कर ली अपनी सनसेट अच्छी जाए, अच्छी उस सुबह के सनराइज में आपने एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वन शुड डू एवरी एक्सरसाइज एवरी एंड आई मीन इट कुड बी टेनिस, इट कुड बी बैडमिंटन, इट कुड बी फुटबॉल, इट कुड बी योगा, इट कुड बी स्विमिंग, आप कुछ भी करो, कुंडलिनी राइज करो ना करो छोड़ो उसको, आप ये सब करो, आप एवरी थिंग इज गिविंग यू समथिंग। मैं आज आपको इतने सालों के बाद मिला, बरसात में हम लास्ट मिले थे एक बार एयरपोर्ट, बरसात इन्होंने मेरे साथ की थी और मैंने तो इनके साथ एज ए डुप्लीकेट किया मुकेश जी का एज ए स्टंटमैन, और मुकेश जी को मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था और आज भी विश्व पितामह आज भी इनकी मैं ऐसी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये शरीर ऐसा है जिससे आप जितनी मेहनत कराओगे ये इतना लंबा साथ, डेफिनेट शरीर आपने मेहनत छोड़ दी है, साथ छोड़ साथ छोड़ दिया। आपने कहावत सुनी होगी कि सबसे ज्यादा कौन है जो आपके साथ रहता है, को बता मेरे बाप, को बता मेरी बीवी, को बता मेरे दोस्त, शरीर शरीर जिंदगी भर, और हम उसको नहीं देखते। आजकल के जो यंग बॉयज है ये पिज्जा मैकडोनल्ड और ये सब जो खा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 55-50 तक जिएगी, फास्ट फूड लैपटॉप फोन और चैनी चिट खत्म कर दिया, आउट ऑफ गेम, हमने गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा पतंग उड़ाना भी एक्सरसाइज है, मारना मतलब क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया आज का बच्चा, कोई मुकेश जी मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कहा हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, आते हो आता हूँ मैं, फटाफट उन्होंने किया और मैं भी देखना चाहता था कि टीनू वर्मा आज कैसा है, ये जो मेरे को देखते थे हर शूटिंग में कि मैं ऐसा हूँ, स्टिल फिट still maintained himself, ये बहुत बड़ी, let me introduce his family, काफी लोग जानते होंगे इसको, पर इनकी एक फैमिली है जैसे हम कहते हैं आर की फैमिली, जैसे हम नाम देते बी आर चोपड़ा फैमिली, you know, ये इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एक और संस्था कहूं या एक और इंस्टीट्यूट कहूं या एक और डिपार्टमेंट कहूं जिनके स्टार्टर इनकी फैमिली है, घोड़े, जितने भी घोड़े हमने 40s, 50s, 60s में शुरुआत दिलीप कुमार के टाइम से लेके, ये वर्मा ब्रदर्स है जिनके खुद के घोड़े होते थे, घोड़े हैं तो वर्मा ब्रदर्स साथ में, और इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, एक फादर के कम से कम कितने बच्चे, 4 और 3 7 सात टोटल मिला के हम 2 मम्मी थे, टोटल मिला के हम 19 भाई बहन थे, 19 भाई बहन, माय गॉड, मेरा एक भी बच्चा नहीं है। आपको यू आर द इंस्पिरेशन फॉर द सो मेनी, मतलब मेरे जैसा इंसान बोलता है कि यू आर द इंस्पिरेशन, मतलब ये आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं भी शरीर की कदर करता हूँ, आप भी शरीर की कदर करते, मैं शक्तिमान बन के कह चुका हूँ शरीर मंदिर है, उसको उसकी पूजा करो, तुम्हारा कोई फायदा मिलेगा। आई थिंक साइलेंट बिलीव इन इट, बिकॉज मैंने इनको जब भी देखा है सेट के ऊपर, कोई भी फिल्म नाम गिनाना शुरू करो तुम, आप एड करिए बरसात, फिर उसके बाद में मैंने आपके साथ में
10-15 से कम से कम फिल्में की होगी ऐसे हीरो डुप्लीकेट करते थे मेरे और मुखर्जी गुड लुकिंग हैंडसम गाय एवरीबॉडी टॉकिंग अरे अमित जी आ गए नेक्स्ट अमित जी का रिपीट अमित जी आ गए यहाँ तक कि अमित जी को कॉम्प्लेंट हो रहा होगा इनसे अमित जी है सुना अमित जी के साथ बहुत काम किया अमित जी के साथ आई एम द डाई हार्ड फैन ऑफ अमित जी और अमित जी एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने जिंदगी के अंदर नंबर वन काम की पूजा की है टाइम की कदर की है और तो और ही हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बेस्ट टेक्नीशियन जिनको अपने काम से प्यार है वो इंसान उनके बहुत करीब होगा जिस इंसान को अपने काम से प्यार है जो अपने काम की पूजा करता है अमित जी के साथ आई डेट खुदा गवाह अगली बार खुदा गवाह का मुकेश जी मैं बताऊं फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुआ मेरे नाम से खुदा गवाह एज एक्शन डायरेक्टर फिल्म फेयर में एंट्री हुई एक्शन अवार्ड की खुदा गवाह के साथ यस श्योर और अमित जी मैंने नहीं उसके बाद अमित जी का मैंने डबल किया और वो आदमी जीनियस है वो आदमी भगवान ने कहे उनके शरीर मैं कुली के सेट पे था जब उनका एक्सीडेंट हुआ मुकाबले पड़ा मैंने मेरी लाइफ में दो इंसान ऐसे देखे जिन्होंने तकलीफ क्या होती पेन और उनका एक तराजू में दर्द और एक तराजू में विल पावर देखा मतलब पेन की ऐसी भी तैसी विल पावर उससे बहुत ऊपर है नंबर वन अमिताभ बच्चन नंबर टू सनी देओल मतलब 35-40 साल से हमारा देखो अभी भी गदर टू कर रहा हूँ सनी के साथ कर रहा हूँ बीच में अनिल शर्मा जी गदर वन मैंने किया था मतलब ऐसा है कि कई फिल्म सनी के साथ मैंने की जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवार्ड मिलता था दैट इज फॉर एक्शन चाहे वो अपने हो चाहे इधर हो चाहे बॉर्डर हो चाहे अर्जुन पंडित हो ओनली वन अवार्ड फिल्म पोस्ट फॉर एक्शन यदि आपने जो बात कही ना मुझे बहुत अच्छी लगी अमिताभ बच्चन के थ्रू आपने बात कही कि वो हर टेक्नीशियन जो अच्छा काम करे उसकी कदर करता है और मैं भी वही करता हूँ कि अपने काम को अपने अपने काम को आप करिए कारपेंटर शुड डू कारपेंटरी कैमरामैन शुड डू कैमरामैन सर आपका ये फोन मेरे लिए आशीर्वाद है फोन जब मैंने देखा मुकेश जी तो मैं तो एकदम मैं तो आपको बोला विश्वेश्वर जी रह चुके प्रणाम आयुष काम कर मैं तो आपका काम करूँ आपका काम भी आपके काम ये होती है काम ये होती ये जैसे होता है ये इंसान की रिस्पेक्ट है देखो पैसा आना जाना चलता है लेकिन एक जो रिस्पेक्ट और जो इंसान अपने इर्द गिर्द जो बनाता है उसको उसका काम ही उसकी पूजा होती है एग्जैक्टली मैं वही बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री में मैं कई स्ट्रगलरों को बोलता हूँ लफाजी नहीं चलती मेरे भाई काम बोलता है लफाजी नहीं बोलती काम करने के टाइम पे आपको दिख जाएगा कि आप ये रियली काम कर रहा है ये रियली जैसा अमिताभ बच्चन की तारीफ की सनी देओल की तारीफ की आप मेरे बारे में भी बोल रहे मैं बोलता हूँ कि तो आप सेट पे जाओ ना सेट पे आपको मालूम पड़ेगा कौन कितना डेडिकेटेड और कम कौन कितना और फोन चार आंख है मेरी सर चार आंख जब मैं सेट पे रहता हूँ देखा मैंने गदर की ओपनिंग सीक्वेंस 25,000 जहां पिक्चर शुरू होती है गदर उसका ओपनिंग सीक्वेंस देख लेना 25,000 46 टेम्परेचर फिरोजपुर ओपेशन मुकेश जी मतलब कमल ठंडी एटमोसफेयर और 25,000 को एक आदमी संभाल रहा था विद 11 कैमरा मनी एंड मोनी थी क्या बात है बहुत बहुत डिफिकल्ट 46 डिग्री सर कमल रहेंगे ये होता है ये कहते हैं जो आज शो चल रहा है ना कपिल वर्मा का शो कपिल शर्मा का ये इसने अपने शो में बोला है कि भैया मेरे बाप ने बोला था उसका बाप हवलदार था पता नहीं हवलदार या इंस्पेक्टर क्या पता नहीं उसने बोला था कि बेटा अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो गदर की शूटिंग चल रही है तो चले जा अमित सर पजामा कुर्ता खरीद के और मैं देख रहा हूं ये कपिल ने खुद मेंशन किया है सनी के साथ
तो उन्होंने बहुत गाली है और बोलते अरे भैया एक्शन ऐसा डिपार्टमेंट होता है अगर आदमी ठंडा बांध के बैठे ना तो आप लोग फैक्ट्री मार के निकल जाएंगे और आप लगे रहेंगे मुकेश जी एक दिन का काम दस दिन मैं देख रहा हूँ आई एम वेरी फाउंडर ऑपरेट द कैमरा मैं खुद ऑपरेट करता हूँ और मैं देख रहा था कि इतने क्राउड में साफ कैमरे में एक बंदा है इडियट लेफ्ट में भाग रहा है बाकी सब फ्रेम के लिए भाग रहे तो मैं हेड लगा था दूर कर क्योंकि मैंने उसको बुलाया इधर इधर तुम आके आए बोला नहीं वो क्या है कि तेरी वजह से मन में हुआ शॉर्ट जा और इधर ही भाग के आना ट्रेन किधर जा रही है किधर जा रही है ट्रेन पकड़ना और मैं फोकस मुकेश जी उसी के ऊपर था ये करने देगा और मैं देखा कि पूरा क्राउड में से एक बंदा निकला और मैंने कैमरा छोड़ा और मैं बंदे के पास भागा और जैसे भागा पकड़ा फाड़ खान के नीचे दिया और मैंने उसको उठा के गया थोड़े नॉट फ्रॉम द सेम बात अरे कपिल सर कपिल तो था धन्य हो कपिल का हाँ तुम्हें बोल रहे हो बाकी उल्टा रहा तो ये कपिल का और क्या खींचा खान के मैंने भी मेरा बहन शुद्ध वाणी दे दिया उसको आज मेरे को इसका ये मैं सवाल डरते डरते पूछना भी चाहता था लेकिन पूछ नहीं पा रहा था मैं वेट कर रहा था कौन से कोने से घुस के पूछूं कि ये गाली से बात करते लेकिन इन्होंने खुद ही मुझे बिना पूछे आंसर दे दिया कि अगर आपके दिमाग में अगर आपको गुस्सा और कैमरा कैमरा नहीं हो तो आप ठंडे बैठोगे तो कुछ नहीं होगा इनको जस्टिफिकेशन इसी अगर किसी को गाली देते हैं तो यहां से निकलती है उसको इनकी तरीका है इनका तरीका समझाने का कोई तरीका काम नहीं बहुत अधिक मुझे आप कोई नहीं देखोगे बाद में ना किसी को देता हूँ ना किसी के रूम में जाता हूँ ना किसी से बात करता हूँ मैं मेरा वर्कआउट मेरा खाना नहा धो के खाना खाके रूम में वॉक करके परंपरा की शूटिंग में सैफ अली खान को यश जी ने मेरा और यश जी का बहुत अच्छा आई एम द ओनली एक्शन डायरेक्टर हु वर्क विद एक मनमोहन सिंह एज एक्शन डायरेक्टर उनके बेटों के साथ काम किया आदि चोपड़ा दिल वाले दुल्हनिया केतन जी अनमोल प्रकाश जी का बेटा कोई डायरेक्टर बना नहीं प्रकाश मेहरा जी का और उनका बेटा संगीत मुकेश जी ट्रेन सिक्वेंस में चल रहा है और मतलब हेलीकॉप्टर जीप है ट्रेन है पूरा ताम झाम के साथ शूटिंग चल रही है और क्राउड को हटाना और अजय देवगन का क्रेज इतना उस वक्त फुल फॉर्म में आज भी उसका नाम अच्छा चल रहा है अच्छा क्रेज अच्छा डायरेक्टर भी बन गया हेलीकॉप्टर वॉकी टॉकी छह को मैं हैंडल कर रहा हूँ कैप्टन को हैंडल कर रहा हूँ और दो कैमरा गोपाल जी थे अपना डीओपी साहब और मैं बोला अजय वॉकी टॉकी अजय पास अजय जब मैं एक्शन बोलूंगा तो आप लोग मूवमेंट चालू करना जो मैंने उनको समझा और मैं चौपर आया मैंने बोला नरोत्रा शिरोडकर थी जीप के अंदर और उनको मैसेज दे दिए नरोत्रा कि ड्राइवर मर गया है ट्रेन में से निकल जाओ ड्राइवर मर गया ड्राइवर शूट कर दिया एक्शन चल रहा है दन 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 अजय बोला मेरी नहीं सुन रहा सर मैंने बोला कैप्टन तो मेरा जो पाथ मैंने जो क्लीन किया था पाथ खत्म हो गया बीच में शॉट होना था मैंने कैप्टन ड्रॉप द शॉट
ड्रॉप द चॉपर नहीं जी, इंडियन में था नहीं जी, पेड़ रोक के पता पहले मारते रहा नहीं जी, मैं सच उसने ट्रेन रोकी, ट्रेन से पीछे ये चॉपर होगा, मेरी गाड़ी आई तो मैं गाड़ी लेके इसका आ रहा था, मेरे और चॉपर के बीच पर अपना ट्रेन के बीच में काफी गैप था, रोक कर गाड़ी हो गया। ये हर एक्टर के लिए मैं ये एग्जाम्पल दूंगा, जो एक्टर को टेक्नीशियन रिस्पेक्ट होगी, काम की पूजा होगा, काम के प्रति वफादारी होगी, उनके लिए मैं इंटरव्यू के लिए बोल रहा हूँ। मैंने उसको बुलाया, अजय को पता चला तो चल के नवाब औलाद परंपरा की फाइट सीखने आया था मेरे पास, मेरे ग्राउंड पे सलमान, अनिल, जैकी एंड बॉबी, ऋतिक, दे ऑल माय स्टूडेंट, सैफ स्टूडेंट, आधा ऐसा आया था शुरू के शुरू में, आया सर खेलते ही जाए चलता का मिलता ज्यादा। नवाब कौन? नवाब, नवाब पटोरी, ये बेटा है ना सैफ अली, नवाब पटोरी है ना, नवाब क्राउड को हटाना, चॉपर कोऑर्डिनेट करना, टाइमिंग, रिदम, ये वो, अजय टेलिंग यू एक्शन एक्शन, एंड यू नो यू आर सपोज्ड टू जंप, मतलब मां मैं भी अंदर जा रहा था उनसे, डायरेक्टर अंदर एक्शन शुरू कर रहा था, एक्शन का टेक ऑफ था, उन्हें किया उसने, बोला नो यू नो दैट, थोड़ा अंग्रेज है, अंग्रेज बोल जाता है, अंग्रेज छोड़ दिया, बोला यू नो दैट एक्चुअली यू नो व्हेन आई सॉ द साउंड ऑफ आई गॉट इट, आई एंजॉयड इट, रात को अमृता सिंह की डीबी फिल्म मेरे साथ अमृता उसको मेरे रूम में छोड़ो पिक्चर, नवाब के बैठे हो मैं बाप का दिया बहुत खुश है इंसान, मतलब इतने बड़े सेट पे मैंने आपको झप्पड़ मारा, आपको अच्छा लगा, आपको ये मेरा गुरु दक्षिणा है, आप भूल गए ना, आप मेरे ग्राउंड पे आए थे एक्शन सीखने के लिए, आदाब सर, आदाब, याद है ना आपको, सॉरी बोला। उसके बाद आप पिक्चर देखना क्या उस लड़के को मैंने, सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू, इसी चीज को ये जो बताया ना आपने पैशन से बताया, मेरे सामने पूरा सीन सामने आ गया, मेरा ट्रेन जा रही है, चौपर है, लोग है, भाग रहे हैं, अंदर वो खड़ा है, और ये इन्होंने कहा एक्शन, और उस बंदे ने जिनको ये नवाब कह रहे हैं इग्नोर किया, और उसके बाद वो था क्यों, क्योंकि वो जी वाज एंजॉयिंग दी यू नो थिंग, इनकी मीनिंग समझते हैं आप क्या है, इनके एक वर्ड से ट्रिगर ऑफ हो जाता है एक आदमी का काम नहीं पूरी यूनिट का काम, ये अगर उस वक्त उस आदमी ने पहला मूव नहीं लिया तो बाकी लोगों का इट्स लाइक यू नो, अगर मैं किसी को मौका मारूं और वो आदमी ऐसा नहीं करे तो मेरा मौका लगेगा एक फॉल्स है, वो एक्शन ही शुरू नहीं है, तो इनका गुस्सा लाजमी है, इनका गुस्सा जायज है कि आपके आपने कदर नहीं की और आर्टिस्टों की, बेचारे इतनी मेहनत से कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपकी एक वजह से पूरे में पूरा शॉर्ट फिर से रिपेट होगा, इसी का उल्टा एग्जाम्पल जी मिस्टर दक्षर अमिताभ बच्चन, मुकेश जी वो आदमी पूरी हिंदुस्तान की सारी जो इंडस्ट्री है ऑल लैंग्वेज उसके लिए सबसे बड़ा मसीहा है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं
मैं शूटिंग करा था अब तुम्हारे हवाले रतन साथी वॉरशिप मुकेश जी शायद आपके इसने देखा होगा ओपनिंग शिफ्ट था 1971 वॉर का ओपनिंग शिफ्ट चल रहा था और अमित जी शिफ्ट में थे और शिप गोइंग टूवर्ड द पाकिस्तान का प्रॉपर शिप वॉरशिप आप यूज किया था शूटिंग वॉरशिप चार वॉरशिप शर्मा पिक्चर आप तुम्हारे हवाले रतन साथी अमित जी इज अ कमांडर ऑफिसर ऑन दैट शिप और उसका उनका बेटा बॉडी भी नेवी का लीड कर रहा ये पूरे सेना क्या मूवमेंट हो रहा था कराची की तरफ अनिल शर्मा जी अर्ली मॉर्निंग 2 बजे उठ के हम एयरपोर्ट पे गए चार शिप को कोऑर्डिनेट किया 6 कैमरा और पूरा शूट लेते हुए हम चौपर से पे लैंड किए और अमित जी आफ्टर कोई हमको एक नारी है अमित जी को 18 नारी है क्या बात कर रहे हैं 18 पूरा उनका पेट ऐसा है मुकेश जी आप मानोगे नहीं उस आदमी शिप के अंदर हम डीप चले गए अंदर और शूटिंग चालू अमित जी की वॉमिटिंग चालू और मेरे पेट के अंदर काफी प्रॉब्लम है मैं आधा घंटा छोड़ू आधा घंटा रिलैक्स कर प्लीज प्लीज मेरे पास काफी शॉट्स है अमित जी को मैंने बोला ये कैबिन खोला अमित जी का और कैबिन लगा सर अमित जी का गेटअप सरदार था तुम्हारे दाढ़ी वाली सरदार बढ़ता और अमित जी 6'3" और लंबे चौड़े आदमी काम शुरू हुआ 2 बजे अमित जी को अपना छोड़ दिया अंदर 12 बजे वोमिटिंग और अमित जी को लंच हो गया अमित जी आए अमित शर्मा जी पूछो तो खन्ना साहब आप मानोगे नहीं वो आदमी मतलब मैं उस दिन तो मेरे आंखों में पानी आ गया वो आदमी आज अमिताभ बच्चन क्यों है इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई दे नहीं सकता उनके बारे में मैं सब दरवाजा धीरे से खोला धीरे से सब खोला और मैंने देखा प्रोग्राम लंबा आदमी ऐसा अलगते तुलगते मार के ऐसा सोला छोटा केबिन छोटा अलगती पलगती ये कंधा भार है और ये कंधा ऐसा सोला है और जैसे दरवाजे की आवाज खुली खट और उनकी डेड आईज है ठक दादा रेडी दादा और 6 बजे तक उस आदमी ने वॉमिटिंग शूटिंग कंटिन्यूस किया था That's why he's Shansha of the Shansha actor के सबसे ऊपर That's why he's Amitabh Bachchan मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है लेकिन उस आदमी को मैं दो हाथ से मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता मैंने काम कभी नहीं किया मेरा और अमित जी का रिश्ता कुछ और तरह का रिश्ता है बीच में कई बार लोगों ने छाप भी दिया मुकेश खन्ना को गुस्सा है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो नहीं कहा होगा सो आई डोंट नो मच अबाउट हिज I admire him as an actor. I admire him. His dikhti. और मैं देखो ना आपको बता दो एक एक फ्रेम बोलता है कि आप शॉट देने के टाइम पे कितने डेडिकेटेड हैं या कितने डाइवर्टेड हैं. दिखता है फेस कैमरा आपकी शॉट. इस आदमी को मैं कदर करता हूँ. काम में कोई सानी नहीं उनका. लेकिन आज इन्होंने जो बताया मेरी मेरे मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई है. Yes, I know him as a professional actor. But this kind of professionalism जब लोग बैकअप करा देते हैं छोटी सी बात के ऊपर एंड ही हैज ऑल द राइट्स
नंबर वन आर्टिस्ट दैट टाइम एंड अनिल शर्मा को वो बोल सकता था यार आज शूटिंग पैकअप करते हैं, जो और कई एक्टर है नाम नहीं लूंगा कर देते हैं सर आज दिल अच्छा नहीं लग रहा है सर, उल्टी करके काम करना हेल्प्स ऑफ टू हिम। आई मीन मैं मेरे दिल में उनके प्रति इज्जत बढ़ गई है, भगवान उनको उनको भी कह सकता हूँ आयुष्मान भाव ऐसे एक्टर चाहिए हमारे यहाँ। खुदा जवाब के जो अवार्ड के बारे में आपको डिस्कस किया है जी, एंड में बादशाह खान को श्री देवी दिखती है और चारों घोड़ा फुल गैलप पे हाथ छोड़ता है फुल गैलप भागते हुए आ रहा है विदाउट रेन, यू सी द शॉट कंसीव बाय तीनू वर्मा और मेरा और मुकुल जी का ऐसा रहता था क्या कितनी चीज मैंने सीखी है ये आला सुबह सुबह मैंने और रिवर बैग मुकेश जी को मैंने बोला अपना मुकेश जी जब बादशाह खान ने देव नजीर को देख लिया ना उसने जैसे घोड़ा रेस पे ब्लैंकर लगाते ना उसने ब्लैंकर लगाया बस 25 साल के बाद मेरी देव नजीर मुझे मिल रही है और दीवाना हो गया घोड़े से ही एक रोमांस चालू हो जाएगा। अमित जी आए, अमित जी तो टाइगर आदमी बात करते करते मेरा उनका बहुत अच्छा रिपोर्ट नवादा क्या शॉट लाया हूं क्या शॉट सोचा हूं क्या 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 दादा क्या बोला आपने देखा बेनजीर ने बोला आशा खान और आपने हाथ छोड़ा घोड़े से और फुल गैलप में यू आर रनिंग टुवर्ड द कमिंग टुवर्ड द बेनजीर इतने लोगों के बीच में ताम झाम गन ब्लास्ट बोजुआ एक्शन कुछ नहीं अपने ब्लैंकर सीधा भीम जिसके लिए आपने हबीबुल्लाह को हिंदुस्तान से उठा के लाया और उसके बाद आज भी जिंदगी 25 साल के बाद आपको आप जबरदस्त आपको घोड़ा हाँ घोड़े घोड़ घोड़े वो ट्रॉली कुछ नहीं कुछ नहीं देखो खुदा हो जाएगा अरे मैंने बोला छोड़ दो ना हो जाएगा कब मतलब आज नहीं कल कर जाने जाने अभी पूरा काम शुरू हुआ पूरा रिवर बैग सुबह जोधपुर के नदी में उदयपुर के नदी में पूरा बैग बनाया घोड़े का क्लीन नॉट ए सिंगल पत्थर एक 500 मीटर का बैग बनाया और मैंने बोला था अर्ली मॉर्निंग राइस बैकलाइट और बैकलाइट का शॉट है विश्व पिता जी आप देखना हमारा जी और मैंने बोला था फर्स्ट शॉट बोला कुछ नहीं रिहर्सल करेंगे मैं एक घोड़े पे बैठा एक जो उनका घोड़ा था बादल उनको बिठाया अमित जी को और दोनों साथ में आए एंटर आए वन गो आए 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 काफी दिया घोड़े को जो भी मैंने प्यार किया मंत्र टुकड़ा जो भी चना घोड़े को उनके घोड़े को टच किया मतलब दादा आ रही हूँ कंफर्टेबल हाँ दादा हो जाए कुछ एक करोड़ आए एक पेज मैंने पकड़ा आया मैंने भगाया हाथ छोड़ो दादा एक हाथ छोड़ो दादा ने एक हाथ रेड पर का एक हाथ छोड़ा बोला दादा दूसरा छोड़ो दादा हाथ छोड़ो दूसरा और मैं पकड़ा दादा बोला दादा दादा जब दादा कर दिया बोला कर अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा आपने जो फॉलो करना मैं आगे मैंने मेरा जो भी था गार्ड बेट करके अमेरिकन सेंट्रल पे लॉक कर दिया उनके चलो मैंने बोला हाँ मैं छोड़ दादा रेडी बोला रेडी और दादा पूरा बैठ कर एकदम खड़ा ये फुल और मैंने बोला गो छोड़ दिया गो और मैंने बोला मैं देखा पीछे हाथ जोड़ो जबरदस्त कोई बोल भी दे मैंने बोला दादा जबरदस्त और
आदमी का रोमांस और बाल उड़ना और उनका देखना और मूवमेंट करके आना और फायर और घोड़ा गिरना मुझे रोकना पड़ा खुदा बैठे जितना बोलो उतना कम है। टीनु वर्मा के लिए जितना बोलो उतना कम है। ये सीक्वेंस इससे पहले के सीक्वेंस द वे ही एक्सप्लेन्स, द वे ही डिस्क्राइब्स। यू सी, मैं बता दूं, ये वो शख्स हैं जिनको मैंने कई फिल्मों में कभी कभी मेरे को ऑब्जेक्शन भी होते हैं कि आदमी गाड़ी पर बात नहीं करता, बट आई हैव सीन हिज एनर्जी लेवल। ये आपके अंदर की एनर्जी को जगा देगा, जैसे अमित जी के अंदर की एनर्जी को जगाया। आई हैव सीन हिज वन सीक्वेंस वेयर आई वाज शूटिंग विद आई थिंक बरसात थी, सनी का थी, सनी देओल, यस, और उसमें ब्लॉगी, और एक मैं एक जगह गया, एक बंद कमरे में कुछ 40 फीट बाई 40 फीट का एक गुब्बारे का बना हुआ एक एयरबैग बोलते हैं, ये एयर बैग देखा मतलब क्या है, और ये साफ ऊपर चढ़ के दूसरे माले तक पे खड़े होकर और वहां से जंप मारने को, उसके बाद में फिर गए ऊपर वॉच टावर था। मैंने इनको देखा है मनाली में, एक एक बंदा था इनका फाइटर होगा, मार्क वो बेचारा थोड़ा सा अटका था, और ये जो बड़े मार्क और कम करके उसे मारा। और सबको मैंने सोचा मैंने कैसा करना चाहिए, मैं उस वक्त ये सवाल इनसे नहीं पूछ सका, आज पूछ रहा हूं कि क्या जरूरी होता है कि अगर आदमी इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है या इसके अंदर कोई डर नहीं है या इसके अंदर उसके आदमी के अंदर का सपोज आदमी ना घबरा गया बेहोशी हो सकता है, और वो भी होती है, आपका क्या ख्याल है? देखो क्या है, जब आपकी आधी लाइफ आपने इनसे कर ली, अच्छा गैस पे डाल दिया, गैस पे डाल के रखा हुआ। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अपने आप को देता हूँ, मेरे लाइफ में मैंने अमित जी से लेके राजकुमार साहब से लेके जितने भी एक्टर है, विनोद जी, सबका मैंने डुप्लीकेट किया, सतगुरु साहब आपका, पिताजी का, मेरे पिता का मैंने डबल किया है, सारे सनी सबका। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, स्टंट का मतलब मुकेश जी आपको और भी एक्शन डायरेक्टर आपको इंटरव्यू देंगे, जैसे आपने मुझे पता शाम को कल लिया है, आपको अगर अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आपको कोई हक नहीं स्टंट में लेने का, मुर्गे पे चढ़ने का, और वॉश टावर से देने, या बोलो मत या फिर करो या बोलो या करो। स्टंट का मतलब होता है दिल, दिमाग और शरीर एक सुर में रखना। आप कभी किसी को कुछ ना कुछ बताएगा नहीं। अगर स्टंट में मैंने सबसे ज्यादा हॉर्स फॉल किया है, हाइटेड फॉल मैंने किया 120 फीट से एयरबैग पे, आई एम मोटरसाइकिल स्टंट इलेक्ट्रिटी लेक में मैं लेके गया हूँ, कार स्टंट किया हूँ, लाठी फाइट करता हूँ, फायर ऑन द बॉडी, आई एम द ऑल राउंडर स्टंटमैन एंड मोस्ट कॉस्टली स्टंटमैन डेयरडेविल। और ऊपर वाली माता रानी की कृपा ऐसी रही है बाबा महाराज की कि न मैंने इतने ग्लास ब्रेक किए, इतने स्टंट किए, नॉट ए सिंगल क्रैक, नॉट ए सिंगल स्टिच। इसका मतलब दिल, दिमाग और शरीर एक सुर में था। जिसे आप घोड़े की बात करें,
अगर आपने दिल खुश बोल रहा है, शरीर जवाब साथ नहीं दे रहा, दिमाग कहीं और चल रहा है, आपका एक्सीडेंट होना ही है। ये नंबर वन, जब आप स्टंटमैन का कार्ड लेते हो ना, ये अपने पल्ले हाथ बांध लो और इस चैनल के थ्रू जो भी मोगी जी का चैनल देखेगा, स्टंटमैन बनना है तो पहले दिल दिमाग और शरीर को अपने कंट्रोल में लेके कार्ड जूडो में मैं ब्लू बेल्ट था, तो मुझे याद है दीपक प्रेशर होना है, और एक चांदीवली में पता नहीं कहां पर एक ऊंची हाइट थी कहां पर, और वहां से हमको जंप मारना था, और नीचे उन्होंने बॉक्सेस या कुछ बना के रखे थे, तो उसमें दीपक के नाम मैच तो उसके फाइटर ने कर दिया। अब मैंने कहा, मैंने पूछा सर कोई दे है किसी को करवाए, मैंने कहा नहीं करता होगा ना, मैं भी जूडो करके आया था तो मगर फोन क्या होती, और आपको नहीं पता शूटिंग में एज ए स्टंटमैन था आप सेट में तो याद तो याद करो क्या हुआ था। फिर मैं चढ़ा हुआ कैसे एक पतली सी दीवार पतली सी, उसके ऊपर खड़े हुए, और उसके बाद मैं रेडी हूं कि मैं नाम आता हूँ चांदीवली के अब पता क्या हुआ जो आप लोगों का होता है, बिकॉज अगेन द फिल्म मेकर मीडियम इज अ टीम वर्क। आप भी समझते हो ना कि इन्होंने जब हमारा फिल्म बन गया, नहीं साहब इनके पीछे 50 लोग होते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं, कैमरा टाइम पे होना चाहिए, लाइटिंग टाइम पे होनी चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं तो मैं जब गया खड़ा होकर मारने को तो मैं देख रहा हूँ मुकेश जी एक मिनट एक मिनट, अब उनके आपस में कुछ डिस्कस और ये और वो और वो और ये 3 से 5 मिनट हो गया। फिर सर पता है क्या हो, मैं उसके बाद में अच्छा मुकेश जी करिए, अब मैं स्टूपिड हूं, मैंने कर दिया वो अच्छा हो शॉर्ट, नीचे आया और मैंने भगत जी को बोला, मैंने कहा भगत जी आप कभी किसी हीरो या किसी एक्टर को ऊपर चढ़ा के मारने को जब करे ना तो जब वो चढ़ जाए ना मरवा दो उसको, रोको मत लेके रोको मत क्योंकि उसका माइंड चेंज हो जाएगा। मैंने कहा मैं था तो मैं माइंड को वापस लेकर आया, और आप किसी खड़ा होकर 3 मिनट तक ऐसा खड़ा कर करेगा तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आप उसको ऊपर लेके जाएगा ओके जी एक्शन मरवा दो राइट। तो चीनू जी मैं डेफिनेटली आपके आपके काम के आपके प्रोफेशन के आपके जेस्चर की आपके जोश की आपकी एनर्जी की हमेशा कायम रहा, लेकिन आज जो आप बातें सुना रहे हैं मैं हैरान हो गया हूं कि आपके अंदर कितना कन्विक्शन है। आपने भी खुदा गवाह की जो अभी आपने खुदा गवाह करे आपने बात की, उसमें सुना है आपने कुछ और भी एक प्रॉब्लम आया था मुकुल आनंद ने कहा था आपने, तो मैं सोचता हूँ क्या क्या था जो मिशन दिया गया था बेनजीर के थ्रू बादशाह था नमित जी को कि तू मेरे बाप के कातिल हबीबुल्लाह को हिंदुस्तान के लेके आएगा और बेनजीर तो हबीबुल्लाह को तो अमित जी ने घोड़े में डाल के लिया है। बैकअप के बाद मैं फिर ये सीखा था कि बेनजीर ऊपर पैलेस में भाग रही और नीचे अमित जी बादशाह खान बॉडी लेके आ रहे। तो रात को हम डिनर पे बैठे मुकुल जी और मैं बैठे खाना खाते, तो मुकुल जी के दिमाग में थॉट है मुकुल जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है एज ए टेक्नीशियन कमाल का। मैं 4 फिल्में की रिलीज कोई भी नहीं हुई वो आदमी टेंशन में चला गया पता है टेंशन में चला गया वक्त पहले चला गया। देखो ऐसा क्या होना चाहिए अमित जी जो मुझे गाने का दिखा और तू मुझे खुदा गवाह बॉडी लैंग्वेज चाहिए सुबह मेरा क्या है मैं जब सुबह उठता हूँ नहा धो के मेरी पूजा पाठ चलती है हनुमान चालीसा वैष्णव चालीसा राम अक्षर स्त्रोत और संकट मोचन हनुमान जी सब पूजा पाठ करके फिर मैं निकलता हूँ। जबरदस्त मैं सेट पे पहुंचा तो अमित जी और मुकुल जी और कैमरा मैन पूरी गैंग थी मुकुल देसाई ने मैं बोला मेरा मुकुल क्या थॉट आया जबरदस्त बोला क्या है इवन अमित जी का कान खड़ा हो गया क्या दादा अरे मैंने बोला शाहान क्या थॉट लाया हूं क्या बोला नहीं ऐसे नहीं करके बताऊंगा बोला अच्छा हाँ करके जी, पूरी गैंग सीरीज़ ऊपर से देख रही है
सब अपने अपने जगह पे अलग, मैंने बोला पैलेस के नीचे एक चबूतरा था जो उतला होता है ना, उस पर अमित जी ऐसी बॉडी उसको लाके पटक दे था, मैंने उधर वो पटकते हो अमित जी घोड़े से उतर के, मैं खड़े होकर दिखा सकता हूँ, दिखाई अरे मैं ऐसा, अभी मुझे पता नहीं कैसा लगेगा लोगों को, लेकिन मेरा कमीशन था कि मामला चल जाए, क्योंकि मैं मां टकोरी और मां ठेठ बंदा था, तो अमित जी सब खड़े हुए सीधी दिए, मैंने बोला सर ये था उसकी बॉडी गिरी और आप घोड़े से उतरे और आपकी नजर गई बेनी जी, बेनी जी देख ली और यू आर जस्ट वॉकिंग, चल रहे आप चल रहे मुकेश जी ऐसा चल रहे, गया नजर दिया पूरा मिशन कंप्लीट हुआ और आए ये किया, मैं रिहर्सल में मैं सीरी जी को देख रहा था वो हंसी में भाग गई, मामला था पंच गया, अमित जी बोला दी बेस्ट तू तो गई बुढ़ापे में भी, जब बुढ़ा बुढ़ा आया घोड़े पे और देखा ओ, सब लड़ रहे हैं और ये दोनों का चल रहा है रोमांच, तो देखा ये तो कुत्ता हो गया, फिर अमित जी पीछे गए माय गॉड क्या मतलब ये काम आपका नहीं है, लेकिन फाइट मास्टर भी अगर बॉडी जेस्चर देना शुरू करे तो आप समझ सकते हैं कितने इन्वॉल्व होते हैं अपने काम से, यही एक और चीज होती है जो टीनू वर्मा को टीनू वर्मा बनाती है, इनके और भी कई भाई हैं, इनके और भी बहुत बड़ी फैमिली है और भी फाइट मास्टर्स हैं, लेकिन ये शख्स 70s, 80s, 90s, 2000 से लेकर आज तक भी, इस फिल्मों को तो छोड़िए इसके बाद में ये भोजपुरी में जाकर भी सेटल हो गए, भोजपुरी में इन्होंने काफी फिल्में की और भोजपुरी करके अभी भी आज भी उतना ही जिंदा दिल है, उतने ही जवान है, उतने ही जोशीले हैं। मैं टिनू जी एक और छोटी सी एक मुझे घटना सुनने में आई थी कि घायल में एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात भी थी। मेरा अमरी जी का बहुत अच्छा रेपो था, अमरी जी राजकुमार संतोषी की डेब्यू फिल्म थी घायल, इज द वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर आई वर्क विद हिम, और मैंने काफी पिक्चर की उनकी घायल से शुरू हुआ, अभी भी उनकी मैंने लास्ट पिक्चर की पोस्टर निकलाई, दो तीन पिक्चर डेट की वजह से निकलती, घायल के अंदर क्या अमरी जी का एक अपना ऑरा बन गया था, अमरी जी को कुछ बोलना उनको समझाना लोग घबराते थे क्योंकि वो सवाल करते थे धड़ करके, तो एक सिचुएशन पे जब सनी ने अजय मेहरा ने जब उनके अड्डे पे अटैक कर दिया उनके फैक्ट्री पे और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, पहली बार क्लाइमेक्स में दोनों की आई कॉन्टैक्ट होती है और दोनों आमने आमने सामने आ जाते हैं और अमरीश जी के पास रिवॉल्वर है लोडेड रिवॉल्वर और अमरीश जी सनी को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और ट्रिगर दबाने के पहले एक ऐसा मोमेंट में एज एक्शन डायरेक्टर मैंने क्रिएट किया कि वो ट्रिगर दबाने के पहले ही भाग जाता है, तो अमरीश जी को मैंने बोला अमरीश जी ऐसा ये और मैं कैसे भागूंगा, मैं तो गोली मार दूंगा और अमरीश जी का अपना हो रहा है, अमरीश जी एक्शन डायरेक्टर कौन है, बोला तू थिएटर में देखना इस पर तालियां बजेगी, आप हीरो नहीं होना विलन होना, बोला हाँ, बोला क्या मेरे को पता क्या, और खन्ना साहब मुकेश जी जब मैंने जैसे सनी को गन पॉइंट पर लेके आया अमरीश जी था और सनी ने देखा और कमांडो नाइफ और थोड़ी चार्ज की बुड्ढा डर के भाग गया, मैं जो हालत खराब बुड्ढे की रनवे यू कैन डू इट और उसका रिएक्शन थिएटर में देखना, ऐसे तालियां सीटियां बजी, सनी भी एग्री नहीं था, राजकुमार संतोषी तो एग्री नहीं था, बोला नहीं नॉट पॉसिबल थिएटर में, बोला देखो ये कन्विंसन होता है एक एक्शन डायरेक्टर का कि प्रेजेंटेशन ऑफ द हीरो इज लुक लाइक अपना यहाँ पे शूट कर रहे थे बैंड्रा में रियल मेला लगा हुआ था वहां पे शूट हो रहा था, ये वो नाइट हो गया, नाइट के अंदर टेंशन चल रहा था, कॉल आ रहे थे और
इसका कुछ टेंशन चल रहा था। अच्छा, उस वक्त बहुत फॉर्म पे था, 92-93। ओके ओके, बाबरी के बाद ये सारी चीजें हो रही थी। और मैं रात में, मैं जो छुट्टी में लगा हुआ था, अमृत जी को पटक के दे रहा था, तो सनी का मेरा तो ऐसा जबरदस्त देता थे। मैंने बोला, अजय मेरा, अब ये बुड्ढा आपके हाथ में आ रहा है, ऐसा चार कैमरे लगाए। मैंने बोला, ऐसा पटक पटक के देना, धना धन ऐसा फोड़ देना कि उसकी वीक निकल जाए, खड़ा हो तो आदमी चेंज हो गया। तो मुझे पता ही नहीं, पीछे अमृत जी खड़े थे, बोला अरे किनो, आपको नहीं बोल रहा हूं, बलवंत राय को बोल रहा हूं जिसका रोल आप प्ले कर रहे हो। हाँ ठीक है, बलवंत राय को बोल रहा हूं, ठीक है ठीक। और अमृत जी का मेरा ऐसा रेपो था, सनी हंस के गिर गया उधर। राजकुमार संतोष जी बोला, यार तू आगे पीछे देख के तो बोला, देख के तो बोला। अरे बाप रे, मैं आई ऑलवेज एंजॉय माय वर्क। यू शुड दैट इज व्हाट एक्चुअली। देखो कैमरा का फोर्थ फ्रेम अभी हमको देख रहे हैं आप, ये कैमरे की चार दीवारें, ऑडियंस को चार दीवारों के बीच में जो घटता है पब्लिक वही देखती है, उसके इधर उधर ऊपर नीचे कुछ भी हो। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। एक कार्टून आया था, एक हीरो बैठा है, हीरोइन बैठी है, चांदनी रात है, और वो हीरो और हीरोइन को बोलते कितना अच्छा लग रहा है, कितने ब्यूटीफुल हम लोग एकांत में अपने यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बोला हाँ प्रिय, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सडनली कैमरे को जूम बैक करते हैं तो पता लगा जब से बूम मैन खड़ा हुआ है, जैसे कैमरे का लेंस है, उधर से प्रॉपर्टी में 25 लोग खड़े हैं, उसके बीच में सिर्फ ये दिखता है बस। जो कुछ बोलते हो आपने समझा दिया, सनी को वही ग्रास करना चाहिए। उसके बाद किसको बुरा लगता है, किसको बुरा लगता है, इस फिल्म के लिए, उस सीक्वेंस को इनाज करने के लिए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप आए ऐसे टाइम पे जहां पर इस वक्त एक मार्केट में बहुत गलत न्यूज, गलत तरीके से, गलत एक्सपांशन से, बुरे इरादों से फैल रही है। जिसको हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर को लेकर आज तक उछल रहे, यासीन मलिक को भी कल ही उम्र कैद की सजा दी गई, तो सुना पाकिस्तान खड़ा हो गया। आपने भी कुछ ऐसी कोई फिल्म बनाई थी जिसमें आपने कश्मीर को लेकर किया था? अरे भैया मुकेश जी, ये तो अभी बनी नहीं, मैं तो 2000 में जब हंगामा अंदर जबरदस्त में कश्मीर पर बेस्ट पिक्चर बनाई मैंने, मां तुझे सलाम, सनी, अरबाज खान, तब्बू, मोनल और मैं, अनिश, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। महेंद्र धारीवाल इज अ प्रोड्यूसर, पार्टनरशिप में मैं था, मेरी कहानी थी, मेरा एक्शन था, और आई प्ले द मेन विलन इन दैट, लाला चोपड़ा। पिक्चर बन गई, पिक्चर का पहला प्रोमो भार आता है और एंड में सनी के फेस पे डायलॉग आता है, दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। अरे वाह, दूध मांगो तो खीर देंगे, रिटन बाय मी, दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। और वो मैंने गुल मस्तान को क्लाइमेट में टांग पे टांग रख के चीर दिया सनी ने, उसने चीर दिया, वो चीर देंगे उसको, मैंने डायलॉग को जस्टिफिकेशन किया। ओके, फिर क्या वो निकला, हंगामा हो गया, सारी चीजें इधर उधर फालतू की बातें शुरू हो गई। अजीत चाचा जी का फोन आ गया, अजीत चाचा जी ने उसको जल्दी आ गया, तो फैमिली मेंबर धर्म जी का भाई, जी के घर धर्म जी के भाई, हाँ चाचा जी फेयर श्योर, बोला बेटा वो तो डायलॉग निकाल दो। मैंने चाचा जी डायलॉग सनी भैया नहीं बोल रहे, डायलॉग अरबाज खान बोल रहे। नहीं नहीं, टेलर में तो सनी के मुंह पे आ रहा है, बोला कल्बिनेशन ऑफ द टीजर का है, और सनी मेन हीरो पिक्चर के अंदर वो मेजर प्रताप सिंह का रोल प्ले करता है, तो उसके लिए उनके चेहरे पे मैं निकाल देगा। बोला ठीक है चाचा जी, निकाल देगा। मैं गया रात को 2 बजे, मैं मेरे घर पे टेलीफोन की ड्यूटी, मीना जी ने फोन किया, माय होम मिनिस्टर मीना जी, मैं फोन उनके पास रखना उनकी तरफ था, सामने से आवाज आई, बोला फोन दे, बोला आप कौन बोल रहे हो? मैं शूटिंग करके, मैं बहुत बिजी था शूटिंग करता, डे नाइट वेरी डीप। मीना जी ने बोला फोन दे, बोला ना, और मीना जी को बोला फोन दे उसको, तो मीना जी ने फोन से बोला, बोला दुबई से फोन, मीना जी ने फोन ही रख दिया। दूसरी घंटी में मेरी आंखें, मीना जी ने फोन किया, उसने कुछ नाम लिया, खली पहलवान या कुछ नाम लिया, बोला दुबई से बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा, और भाई ने बोला है, मीना जी को पता नहीं, दुबई से
दुबई का नाम सुनते मैंने फोन दे दिया। कौन बोल रहा है? मैं तो बोला मैं खलील खलील भाई बोल रहा हूँ। मैंने बोली खलील भाई क्या हुआ? बोला आपका जो टेलर चल रहा है ना, बोला माँ तुझे सलाम का। बोला हाँ क्या हुआ? बोला उसमें जो भाई ने बोला है। मेरा किसने बोला है? बोला भाई ने बोला। मैं कौन भाई ने बोला है? बोला आप समझ जाओ, समझदार कोई सारा इशारा काफी होगा। बोला क्या बोला भाई ने? बोला टेलर बंद कर दो। बोला क्यों? तो बोला दूध मांगो तो खेर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। अरे मैंने बोला उसको पूरी पिक्चर ही उसी ऊपर बेस है। जब स्नोफॉल होता है और हमारे सेना जवान नीचे उतरते हैं तो पाकिस्तानी तो घुसपैठिया शुरू करते हैं ना, वो पूरी पिक्चर का बेस ही वही है। माँ तुझे सलाम, मेजर प्रताप सिंह इनको कैसे ये करता है और ये करता है, और एक मुस्लिम अलबख्श कैसे हिंदुस्तान के लिए बॉर्डर पे खड़ा होता है हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, दैट इज ए कहानी। बोला कहानी से हमको कोई मतलब नहीं है, जो बोला है वो करो। मैंने बोला ये ज्यादा बोलना नहीं, मैंने बोला समझे ना। तो उसने वहां से बदतमीजी चालू कर दी, काली गलौज पे आ गया वो। तो जो बोलना है बोल, मैं वो टेलर में से वो डायलॉग नहीं निकलने वाला। वैसे भी मेरा माथा सटका हुआ था क्योंकि अजय चाचा जी ने ऑलरेडी मुझे काट दिया था उससे। अभी ये तू हुआ दूसरा रात के 2 बजे कोई टाइम का फोन करने का, सुपारी बोल। हाँ बोला नहीं आपको आपको पता नहीं आपकी मैं सुपारी निकालने वाला, ये चूती है तो सुपारी की बात कर रहा है। हेडशॉट मैं कलिंगर लेके घूमता हूँ, भेजना जिसको सुपारी तेरे को देनी है। इतना याद रखना उसको बोलना तीनू वर्मा को टपकाने जा रहा है, बस मेरा नाम ले लेना बस। और 20-22 साल पहले मैं शॉर्ट टेम्पर इतने जोश में था और माँ तुझे सलाम ये हुआ। अरे देश की जो कहानी है वो मैं बना रहा हूँ, तो मैं जो बाहर बैठ के मैं जो देश में राज करना चाहते हो उखाड़ ले जो उखाड़ना है। बॉर्डर देखो पाकिस्तान को फेल दिया, भैन शोध को फेल, माँ तुझे सलाम में फेल दिया, फिर गदर में फेल दिया पाकिस्तान को, इंडियन में फेल दिया। यार जब से ये आजाद हुआ है पाकिस्तान आजाद, हमने आजादी दी है भैया, तुमको दे दिया है ना, ऐज करो ना, अपने आप को डेवलप करो ना, अपना बच्चों का ध्यान रखो ना, अपने देश की रक्षा करो। देश जब से मैंने हिंदुस्तान के पीछे कान में उंगली किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहा, तो मैंने तो डायलॉग था माँ तुझे सलाम में कि सारी हिंदुस्तान की जनता अगर पाकिस्तान के सरहद पे खड़े होकर बोलते ना तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। माँ तुझे सलाम ये आपके आपके मैं जज्बातों की कदर करता हूँ। इवन इवन हर इंसान को अपने देश से प्यार करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, देश एक है, देश एक है। ये तो बाद में मुगल के आने के बाद। ओके भाई मैं टॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूंगा, मेरा माता सड़क गया, इसलिए आपके माथे को थोड़ा सा मस्त लव, पहले माँ की रिस्पेक्ट करो फिर देश का। मैं इसी के उनके बाद अगर तुम्हारे साथ कोई है तो तुमको पाल रहा है। आज एक कुछ ऐसा होता है 25 जमा हो जाते हैं, ये होता है ये हो जाता है, नहीं होगा वो होगा, इतने इंडस्ट्री में कहीं है वो आपको यहाँ रहना है सेंस लेता है, तू तेरी बीवी को तो संभाल, दोनों को तुम्हें छोड़ के तीसरी को ये कर रहा है। गुड गुड गुड, आई लाइक दैट इमोशंस, बिकॉज मैं भी आपकी इस बातों से सहमत हूँ कि देश पहले आता है, धर्म संप्रदाय बाद में आता है। करेक्ट, आप सिटीजन ऑफ इंडिया बनकर रहो, करेक्ट, फिर आप कुछ भी करो बट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नहीं कि यहाँ पर अगर पहले हिंदुस्तानी बनो, खाते पीते रहते यहाँ और गुण गाते पाकिस्तान में, तो जाओ ना उधर रहने के लिए, बारिश वहां छाते यहाँ। अगेन टू द फिल्म इंडस्ट्री, मैंने आपकी एक और कहानी सुनी है कहीं पर, जहाँ पर कुछ बहुत सारे बूढ़े होते हैं। अरे चाइना गेट, चाइना गेट, राजकुमार मुकेश जी, अगर आप सच्ची दिल से मेरे मन से सुनना चाहते हैं, मेरी लाइफ की वन ऑफ द टफेस्ट फिल्म थी चाइना गेट, टफेस्ट फिल्म। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 11 बुके अमरीश जी, ओम जी, नसीर जी, डैनी साहब, अंजन श्रीवास्तव, जगदीप जी, विजू खोटे, फिर तीन और थे, एक ही जवान लौड़ा था समीर, और ऊपर से ममता कुलकर्णी, बाकी 11 बुढ़े, 11 बुढ़े, बाप रे, इनको समझाना, इनसे एक्शन लेना, और ऊपर से नया विलन जागीरा, मुकेश क्या नाम है उसका, मुकेश जी बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा, और उसमें वो डायलॉग मैंने दिया, मेरे मन को भैया में कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी की दूध पी के बड़ा हुआ,
राजी लिखवाते मैंने कहा मुकेश जी आप इधर क्या बोलना चाहेंगे, आपने तो काम किया है ना, आप इधर क्या बोलना चाहेंगे? आई लाइक दैट इन द बैंड टेक्स यू इनसाइड। उसमें क्या हुआ था, 11 बजे कुछ इंसिडेंट था, तीनों आनंद भी उसमें, और तीनों आनंद साहब उसका कुत्ता भी था, कुत्ता भी था। हाँ, अभी फॉर्मेशन जो होती है कैमरा एंगल के हिसाब से फॉर्मेशन होती है, और उसमें जो लीडर थे ओम पुरी थे, ओम जी थे, लेट ओम जी। ओके, लेकिन अमरीश जी का ईगो ये था कि मैं विलन, मैं लीडर हूँ। ओके, नसीर जी की उनकी जन्म नहीं थी, बिकॉज ये मुस्लिम के लिए कह रहा था हिंदू। ओके, देवी साहब स्वाहा, तीनों आनंद स्वाहा, ये लगे हुए थे और टेक्नीशियन की बैंड बची हुई थी। मतलब आपको मैं बताऊं, आपका जो मैं लाइन से इनको खड़ा करूं ना और चार पांच कैमरे सेटअप करके खड़ा करके घूम के जाऊं, तो अमरीश जी है ना इतने क्यूट है, दो कदम आगे आ जाते। और मैं जब साइड से फॉर्मेशन देखूं तो अमरीश जी आगे गड़बड़ हो गई, टैली लगा के मैं सबकी 11 की मुंडी मुझे खड़क चाहिए थी और इनकी वॉक लेनी थी, मुझे ट्रॉली लगाया था और इधर ट्रॉली थी और उधर साइड से ऑल एंगल और एक चॉपर से मुझे इनकी एंट्री लेनी थी। अमरीश जी थोड़ा दो कदम पीछे, आपने पकड़ लिया, पकड़ लिया। और मैं तो मेरी जगह पे खड़ा हूं, हिलना नहीं, एवरीबडी आ जाओ, आगे आओ। सब अमरीश जी के लाइन पे आ गए, फिर फॉर्मेशन हुई, फिर फॉर्मेशन हुआ, आई स्टार्ट कर रहा तो चेंज आ गए। मुकेश जी मेरे अलावा कोई इनको हैंडल नहीं करता, सबकी ईगो। पहले विक्रम धर्मा था एक्शन डायरेक्टर, राहत जी की जवानी जब देखा विक्रम धर्मा से नहीं हैंडल, विक्रम को निकाल के मुझे बुलाया, तो मेरी यहां डेट सनी के साथ थी, मैं यहां मॉडरेट था। और फिर आप मानो नहीं, क्या होता, मैंने एक फाइटर को यहाँ रस्सी बांध के पकड़ा, एक फाइटर को यहाँ पकड़ा, रस्सी आए सब नीचे, और मैंने इनको बोला एक्शन, और इनको जो जगह मिलती थी वही चलते जो आ जाएगा। तो हैंडल हैंडल अगर इस तरह के सब सीनियर एक तो आपको अपने कॉम्प्लेक्स में होती है, मेरे से बड़े सीनियर है और उनके बीच में कॉम्प्लेक्स सीन है, ओके सो तीनू जी आई थिंक वी एंजॉयड दिस डिस्कशन, वी एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। मैं जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे आपने 100 गुना ज्यादा आपने इसमें अपनी इनपुट्स डाले, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक्चुअली सेशन करने जा रहा था फाइट मास्टर के ऊपर, क्योंकि मैं हर फाइट मास्टर का काम कर चुका हूं मंसूर। चलो मैं भी मैं आप इतने दिन रहे, ये फाइट मास्टर से ऊपर कोई इंटरव्यू में चला गया तो आपकी जूती मेरा सर। सर ये तो मेरी और भी अच्छा है, कंपटीशन हो गए तीनों के ऊपर आके दिखा हुई है आप, तो मुझे तो अच्छा है मेरे चैनल के नीचे और क्या जी सिंह से हेल्दी कॉम्पिटिशन। This not something कि भी मैं जैसे आपको बोलता मैं आगे आगे खड़ा हो जाऊँ, ऐसा नहीं। आपकी आपने जो कंटेंट दिया है कमाल का है, पब्लिक ने एंजॉय किया है, आपने बहुत बातें बताई अभी तो और सी बहुत सारी बातें, इनफैक्ट मैं सोचता हूँ एक बार फिर इनको बनाऊ, क्योंकि आपकी अभी भोजपुरी फिल्म रह गई है, मती पूछा चेक आए बट प्लीज आई मीन मैं नेहरुआ को बुला जा रहा हूँ, बट इंडस्ट्री है वो हमारे, मैं इंडस्ट्री के आपके आपके किताब के बहुत सारे पन्ने अभी तक खाली है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। इनफैक्ट किसी और फ्यूचर में हम रिकॉर्ड करेंगे। दिस वॉज टूडे, मैं चाहता हूँ कि अभी इस इंटरव्यू को मैं थोड़ा सा अपने विराम की तरफ बढ़ाऊं। बहुत अच्छा लगा मेरे, मुझे भी इनको देखे हुए भी मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मैं भी एक्शन हीरो माना जाता था, खुद एक्शन करता था, उसके बीच में ये आते थे डुप्लीकेट क्या होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे रिस्क लेते हैं। मेरे को कभी कभी जैसे मैंने इनका इंसिडेंट सुना है, 25-50 फीट से बोलता है मार मार मार, वो बोलता है अरे मार, तो उसको जम मारा। आई हैव सीन हिम डूइंग दैट, आई वांटेड टू फाइंड आउट कि इज इट राइट और रॉन्ग। अभी तो मैं और भी कई बातें करना चाहूंगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में करेंगे, जबकि फॉरेन के स्टंट्स और हमारे स्टंट्स में क्या फर्क है, हमारे यहाँ पर सेफ्टी है कि नहीं, ये सब काफी मुद्दे हैं, पर मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिवाइड करके एंजॉय किया जाए तो और अच्छा लगेगा। सो मैं अपने इस साक्षात्कार को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग। मैं आपको एक ही सत्र लेने दूंगा क्या, मैं बैठ चुके आपकी ब्लेसिंग। अरे मेरे भाई, मैं ऑनलाइन आशीर्वाद दे सकता हूँ आपको।
आयुष्मान भव और मैं भी वो आशीर्वाद दूंगा जो बहुत कम लोग देते यश यश भी भव आपको बहुत यश में लेकिन फिर भी यश की कोई कोई सीमा नहीं सीखने की सीमा नहीं सो नाइस अभी भी स्टूडेंट हूं सर यस सीखो मेरा 25 एडिट करता हूं ये करता हूं ऐसे मेरे कई किस्से मैं सुनाऊंगा ऑडियंस आपकी हंस हंस के गिर जाएगी मैं आपको इसको यहाँ खत्म नहीं कर रहा हूँ आगे बढ़ूंगा इसके अंदर सो तीनों जी को मैंने एक फोन किया और एक ही फोन पे इन्होंने हाँ कह दिया जल्दी कर दे मेरे लिए बड़ा होता है ऑलरेडी 3 इंटरव्यू करता हूं मैं मैंने कहा करते 10 बजे आ जाओ बोला नहीं 11 बजे तो नाइस ऑफ हिम सो दिस इज व्हाट आवर मुकेश जी आप मैं आपको मैं आज मुझे 4 जगह 43 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में जितना मैं आपको जानता हूं जितना मैं आपको समझता हूं पढ़ता हूं आपका एक कॉल किसी को भी चाहे जाए चाहे वो अमित जी की हो नरेंद्र जी की हो आपका जो ऑरा है और आपने जो रिस्पेक्ट और आपने एक अपनी एक पर्सनैलिटी जो डेवलप की है कोई भी इंसान आपको मना नहीं करेगा नाइस ऑफ यू जरा नवाजी आपकी मैं बिलीव करता हूँ एक अच्छा इंसान पहले बनू एक स्टार बनू दिस इज व्हाट आई वर्क फॉर पीपल एट मुझे एक लास्ट में कंप्लीशन करने में मैं एक लास्ट में एक अपनी क्या गुगली बोलते हैं मुझे डैनी ने एक बार कहा हम लोग बैठे थे डैनी जी ने मुकेश अगर किसी को मोस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर लेना हो एकदम वाइट तो दे कैन ओनली थिंक अबाउट यू हम सबने कुछ ना कुछ किया है अनुपम खेर बोलो ये बोलो मैंने कहा डैनी जी बात तो सही है पर मैंने करोड़ों रुपए का नुकसान भी किया मैं विलन बन सकता था पर मेरे अंदर से विलन नहीं निकल और मैं चाहूंगा कि अब मैं इसको यह समाप्त देना चाहता हूँ पर देनु जी जाते जाते हमारे देश में इंटरनेशनल की परंपरा है कि अतिथि को खाली आदमी तो मैं आपको हमारी तरफ से अतिथि देवो का ये एक हमारे शो की थैंक यू जरूरत थी मेरे हेल्थ क्लब में थी मैं तो पता नहीं मैं घुसता हूँ और पता नहीं जाता हूँ कितने घंटे अंदर ही साथ ही साथ मैं आपको चाहूंगा कि आप अभी कभी बैठ के कप या कॉफी या कुछ पिए तो ये आपने इतने प्यार से दिया तो ग्रीन टी शुरू कर दीजिए थैंक यू वेरी मच हमारे अभी शो का मैंने ये घड़ी बनवाई है पहले मैं शक्तिमान की घड़ी देता था लेकिन ये घड़ी मुझे कई लोग कहते हैं सर कहाँ मिलेगी आपको बता दो अमेजोन में डालने वाला हूँ बहुत शीघ्र आपकी पा पाएंगी थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर जी थैंक यू वेरी मच ये था हमारा आज का एपिसोड इसमें आपने भी एंजॉय किया मैंने भी एंजॉय किया और मैं चाहूंगा कि अगले हफ्ते मैं किसी और शख्स को लेकर आऊं किसी और महानुभाव किसी और शख्सियत को जो कहां से है मुझे नहीं मालूम मेरे पास ऐसे ही भगवान भेज देते हैं तो कहीं से भी मैं लेकर आऊंगा यू विल एंजॉय यू विल लर्न लॉट सो इस एपिसोड को यही विराम देते हैं मैं सिर्फ माफ करना कभी कभी मुझे भी होता है कि मैं आगे बढ़ के गलती महसूस करता हूँ टीनू जी कोई छोटी सी अगर आप मैसेज देना चाहें अपने ऑडियंस को जो आपने इतना अनुभव किया है फाइटरों को कुछ भी देना चाहिए जैसे मैंने मुकेश जी के इंटरव्यू में बताया आपको अगर किसी को भी स्टंट करना है फाइटर बनना है सबसे पहले वो दिल दिमाग और शरीर अपने कंट्रोल में लाने और फिर स्टंट के मैदान में नंबर वन नंबर टू हिंदुस्तान में जो भी हिंदुस्तान के सर जमीन पे पैर रख के यहाँ रहता है जीता है खाता है पीता है उसको सबसे पहले अपनी माँ के बाद किसी की रिस्पेक्ट करनी है तो हिंदुस्तान की देश की मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए इज्जत करनी चाहिए और उनके आजू बाजू में कोई भी ऐसा गलत मूवमेंट हो तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको इतला कर देनी चाहिए चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो सबके लिए देश एक है और देश के लिए ये चारों एक क्या बात है यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ मुकेश जी के चैनल के थ्रू दैट्स माय बेस्ट विशेस टू हिम एंड बेस्ट विशेस टू द ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस मुकेश जी इससे अच्छा और
पूर्ण विराम नहीं हो सकता जो उन्होंने मैसेज दिया है। फॉलो कीजिए, समझिए इसकी मीनिंग समझिए। सो ये एपिसोड यही खत्म करते, अगले हफ्ते एक और शख्स को मैं लेकर आऊंगा, वेट कीजिए।